आप ये बताओ कि लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें ताकि आने वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हो सके, पढ़ाई करने की स्टेज मुना। लॉकडाउन में पढ़ाई किया करे, पढ़ाई देखो पहले तो किताब देर का नहीं बा खोल के लाग जा, और क्या करेगा पढ़ाई का। अरे तो लॉकडाउन में कर रहे हो किए, पूरे दिन कमरे में हो तुम लोग, जितना मर्जी उतना सो, कितना सो लोगे 24 घंटे में, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, और लास्ट में बचे अगर तुम 5 घंटे भी पढ़ते हो ना तो भी बहुत है। और अच्छी ऐतिहासिक फिल्में बनी हुई हैं, 1857 की क्रांति पे फिल्म बनी हुई है, महाराणा प्रताप का पूरा नाटक आता है, शिवाजी के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, मुगल काल पे पूरा का पूरा, मुगल काल पे भारतीय खोज के अंदर पूरा मुगल काल, सल्तनत काल, वैदिक वो है। अरे वो देख लो, फिल्में देख लो, बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, वो देख लो, नाटक देख लो, पढ़ लो, लेकिन बाहर नहीं निकलना है तो कितने मौके यार। ठीक, अभी किताबें पढ़ने का मन नहीं है तो वो फिल्में देख लो, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भी पढ़ाई तो करनी है तो उन फिल्मों के अंदर भी इतिहास की, भगत सिंह पर फिल्में बनी हुई है, सुभाष चंद्र बोस पे फिल्में बनी हुई है, हिटलर पर फिल्म बनी हुई है, और चाहिए क्या, हर एक चीज पे फिल्में बनी हुई है, तो वो देख लो। कितना अच्छा मौका हाथ लगा है, फिर भी लगे हुए हो और मैं किताब खोलने का मन ही नहीं करता। निराशा पूरी तरह छाई हुई है, पता ही नहीं है एग्जाम कब होगा, हाल बेहाल है गुरते। तुम अब पढ़ते नहीं हो, जब एग्जाम नजदीक आई तब तुम भागते हो। हमारे गांव में बोला जाता है, हाजत शुरू होने पर लोटो लेके भाजो, उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं होती। मात्र मात्र कितने परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं पता है क्या, मात्र 10%। और सिलेक्शन रेट क्या रहती है पता है क्या, यही रहती है, क्लास में 100 में से 10 से 15 बच्चे ही सीरियस होते हैं हर क्लास के अंदर। सिलेक्शन कितने होते हैं पता है क्या, हर क्लास में 100 में से इतने बच्चों का ही सिलेक्शन। दुनिया की कोई कोचिंग ऐसी नहीं बनी है जो तो पूरे में से पूरे सिलेक्शन, आज तक तो बनी नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं, आगे बन जाए तो बात अलग है, क्या पता इतनी कोई टेक्नोलॉजी किसी में आ जाए कि पूरे के पूरे बच्चों का सिलेक्शन, दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं है। और बात रही भय की, है नरक का द्वार है, प्रेम स्वर्ग का द्वार है, भय दिखा के बहुत कुछ करवाया जा सकता है। आज भय नहीं होता तो तुम घर पे नहीं बैठते, भय दिखाना, कई बार बच्चे को भय दिखा के तुम कुछ भी करवा लो, बच्चे के प्रेम करके, बच्चे को प्रेम से समझा के तुम कुछ नहीं करवा सकते। हमें भय बचपन से सिखाया जा रहा है, जब से हम छोटे थे हमें स्कूल नहीं जाएंगे तो पिताजी पिटेंगे, ये भय था हमारे, मास्टर जी ने कूट कूट के भय दिखा दिखा के हमसे क्या क्या करवाया, फिर आगे आए तो हमें भय, अब नौकरी नहीं लगे तो क्या होगा, फिर भय, हमेशा भय के अंदर जी रहे हम शुरू से। हमें ये भय के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अगर 2-4 वीडियो ये मरघट के ना आते ना तो तुम लोग घर पे ही नहीं बैठते, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोरोना है, तो भय दिखाना पड़ा। हम कहते हैं मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं ये गलत है, गलत नहीं है, ये भय दिखाया गया तभी घर पे बैठे हो ना, लेकिन भय का परिणाम कई बार उल्टा भी होता है। राजनेता भय दिखाते हैं तो जाहिर बात है उन्हें सत्ता हासिल करनी है, वो भय दिखाते हैं, कई बार साधु महात्मा भी भय दिखा देते हैं, नरक में तुम्हें जलाया जाएगा, पकोड़े की तरह सेका जाएगा, ये किया जाएगा, तो कई बार धर्म के रास्ते पे लाड़े पे वहां भी भय दिखाया जाता है। अब आपने देखा कोरोना के अंदर भय के अंदर लोगों को अंदर बिठाया, और जैसे ही लॉकडाउन खुला पूरी की पूरी जनता सड़क पे आ गई उस भय से मुक्ति के लिए। प्रेम से समझा के बिठाया होता तो शायद ये परिणाम ना होता, लेकिन हमने भय से बिठाया, तो भय भी कई बार जरूरी है। तो यहाँ पर भय से, भय भय की वजह से ही तुम बैठे हो, नहीं वरना तो तुम तो बैठते ही नहीं घर पे। तो ये जो भय है, और भय किस चीज का हो रहा है, भय मृत्यु का हो रहा है। तो कितना सौभाग्यशाली है व्यक्ति, आज का व्यक्ति, जिसने अपनी मृत्यु का एहसास किया, वरना लोग तो मर भी जाते हैं तो तब भी कभी सोचते नहीं कि मैं कभी मरूंगा। व्यक्ति आगे की नहीं सोच सकता, एक दिन सोच सकता है, 2 दिन की सोच सकता है, 2 महीने की सोच सकता है, 2 साल की सोच सकता है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु तो मुझसे बहुत दूर है, इसलिए वो मृत्यु के बारे में कभी सोचता नहीं है। आज जब हमें मृत्यु बहुत नजदीक दिखाई दे रही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तब हमने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया है, और वो व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जो मृत्यु के बारे में सोच लेता है, क्योंकि उसे तो फिर बहुत कुछ हासिल हो गया। भगवान बुद्ध को जब मृत्यु का भय लगा, जब उन्हें बताया गया कि व्यक्ति मरेगा, तब उन्होंने, क्योंकि वो रास्ते से जा रहे थे, पूछा कि ये क्या, बोले ये तो मर गया, बोले मैं भी मरूंगा, बोले हाँ, वो तो भगवान बुद्ध बन गए थे, क्योंकि जिन्हें मृत्यु, आदमी सही रास्ते पे तभी आता है जब उसे मृत्यु का, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें आज मृत्यु का भय सता रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो भय है तुम हमेशा कायम रखो, ताकि तुम कभी गलत कार्य करो ही नहीं, तो अच्छी बात है। तो तुम्हें आज वर्तमान में अगर मृत्यु का भय सता रहा है, फिर क्या बताने लग रहे हो, क्या चालू करे,
और जिस दिन प्रेम के अंदर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, व्यक्ति प्रेम में खुद को भी गले लगा सकता है, और जिस दिन इस जीवन से मोह समाप्त हो गया उस दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। अंतिम दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू जो था वो हेमू था। हेमू की गर्दन काट दी अकबर ने। उसके बाद में उसके पिता को बुलाया गया, उसके पिता से कहा कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर मार दिए जाओगे। तब उसने कहा था कि जीवन से कोई मोह ही नहीं है मुझे, और तुम मुझे किस चीज का भय दिखा रहे हो? आज मैं मृत्यु के डर से और इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। बाद में हेमू के पिता को भी मार दिया गया। जब जीवन से कोई मोह ही नहीं होगा तो व्यक्ति कहेगा कि मैंने तो जिंदगी जी ली, अब बेड उसको दे दो। तो ये जीवन का मोह है जो हमें मृत्यु से डरा रहा है वर्तमान में। तो ये ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हमेशा याद रखो कि मरना तो है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तो डरने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन हमने क्या कर बहुत नजदीक सोच लिया कि मृत्यु तो हमारे नजदीक ही घूम रही है, तांडव कर रही है, ये सोच लिया हमने, इस वजह से हमें भय सता रहा है ये। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, चीजें चलती रहेगी, हमें इतना ज्ञान भी नहीं देना है। चलो।